दोस्तों सिर्फ एक बार 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रतिदिन का आप 5,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। इतना बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी डिमांड प्रत्येक घर में है और इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि यह कितना बेहतरीन बिजनेस है और यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। आप चाहे तो मुझसे लिखित रूप से भी ले सकते हैं, मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं कि यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलेगा, क्योंकि इस बिजनेस की मांग ही इतनी ज्यादा बढ़ रही है। कौन सा वह बिजनेस है, कैसे माल खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, विस्तृत जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, बिजनेस के फंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग चले, जिसमें प्रॉफिट हो और नुकसान होने के चांस ना के बराबर हो, तो सबसे अच्छा होता है। ज्यादातर दोस्तों बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, कि रेंज बनानी पड़ती है, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करें और एक प्रोडक्ट के बिजनेस से ही शुरू करके आप आगे अपने बिजनेस को ले जाएं। ऐसे ही आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जिसकी डिमांड प्रत्येक घर में है, जिसके बिना शायद में आपका काम चल ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल बायर की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में जो भी हम लाइट का प्रयोग करते हैं वो लाइट हमारे यहाँ केबल के द्वारा ही आती है, वायर के द्वारा ही आती है। वायर अगर कहीं खम्मा लगा हुआ है, वहां से अपने घर तक लाइट लाने के लिए हमें केबल की आवश्यकता पड़ती है, और घर में एक जगह से दूसरी जगह वायर पहुंचाते हैं ताकि हम लाइट का प्रयोग कर सकें। एक स्विच से दूसरे स्विच में, पंखा तक, कूलर तक, वॉशिंग मशीन तक अगर हम लाइट पहुंचा रहे हैं तो वो हम इलेक्ट्रिकल वायर का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो भी नए घर बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर जगह नए नए घरों का निर्माण हो रहा है, सभी में लाइट फिटिंग हो रही है। जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें भी लाइट की फिटिंग की जा रही है, यानी कि अगर लाइट की फिटिंग होगी तो वायर लगनी ही है। दोस्तों इसका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट लेना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनो, सिर्फ एक प्रोडक्ट के होल सेलर बन जाइए और केवल 50,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि यह कितना बेहतरीन बिजनेस है। आपको केवल बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी, और अपने यहां के आप देखते होंगे छोटे छोटे जो मार्केट होते हैं ना, वहां पर भी 2-4-5 इलेक्ट्रिकल की दुकानें मिल जाती हैं। बड़े कस्बे में तो 100 से 50 दुकानें तक देखने को मिल जाती हैं। हर गली मोहल्ले में एक इलेक्ट्रिकल की दुकान है, और जो भी दुकान आप देखते हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल बायर एक केबल आपको देखने को मिल ही जाती है। तो आपको क्या करना है, इसका होलसेल बिजनेस शुरू कर देना है। अगर आप दोस्तों दिन में केवल 20 से 50 दुकानदारों के पास जाते हैं और प्रत्येक दुकान को केवल 1 से 2 बंडल देते हैं, जो आप एक बंडल देखते हैं, एक बंडल में 90 मीटर केबल होती है या वायर होती है, और इस वायर को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं एक दुकानदार को, आपने अलग अलग साइज की अल्मोनियम की दी, कॉपर की दी, केबल दी, तो इस प्रकार से अगर उसे एक एक बंडल दे दिया, या आपने एमएम के हिसाब से 2-3 साइज कर दिए, तो 4 से 5 बंडल एक दुकानदार को आप आसानी से दे सकते हैं। 5 बंडल अगर एक दुकानदार को दे रहे हैं, दिन में आपने केवल 20 दुकानदारों को माल दिया, तो आप दिन में कम से कम 100 बंडल माल बेच लेते हैं, और एक बंडल पर, सिर्फ एक बंडल पर आपने 50 रुपए का मार्जिन रखा हुआ है, तो एक दिन में आप 5,000 रुपए आसानी से कमा रहे हैं। अगर आपने 100 बंडल नहीं बेचे दोस्तों, अगर 50 बंडल ही बेच दिए, 50 बंडल बेचने पर भी दोस्तों आप आसानी से 2,500 रुपए कमा रहे हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं होता कि आप 50 रुपए ही रखेंगे, किसी आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका एक इलेक्ट्रिक बायर का बंडल है, उसमें आप जरूरी नहीं कि 50 रुपए ही कमाए, हो सकता है 20 रुपए से लेकर 40 रुपए कमाए, या 100 रुपए से लेकर 150 रुपए कमाए, ये अलग अलग हिसाब से होता है दोस्तों। देखिए मैं एक मैक्सिमम साइज लेकर चल रहा हूं कि आपको 50 रुपए पर बंडल का लगभग लगभग मार्जिन मिल जाएगा। तो इतना बेहतरीन बिजनेस है तो इसको आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी मार्केट को आपको समझना होगा। दोस्तों वैसे हमने इस पर एक ब्लॉग लिखा हुआ है विस्तृत जानकारी के साथ, कहां से माल खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या आपको तैयारी करनी है। अगर वो पढ़ना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं kamaitips.com। यहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको पूरी वेबसाइट पे सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, और आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी मार्केट को समझना है। मार्केट में कैसे समझना है, कि जो भी दुकानदार है उनके पास जाकर आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा किस साइज की केबल की मांग हो रही है,
कॉपर की मांगी जा रही है, अल्मोनियम की मांगी जा रही है, या वायर मांगी जा रही है, या केबल मांगी जा रही है, क्या डिमांड निकल रहा है, आपको अपना क्षेत्र समझना होगा, किस कीमत तक की मांग हो रही है, क्योंकि ये भी देखना होगा ना, क्योंकि आप हैवी क्वालिटी की लेके आ जाते हैं, हो सकता है आपके क्षेत्र में मीडियम क्वालिटी की मांग हो रही हो, तो ये भी पहले आपको अपना मार्केट समझना है। मार्केट समझे बगैर बिजनेस की शुरुआत मत करें, पहले आपको अपना मार्केट समझिए, उसके लिए दुकानदारों के पास जाइए, जो आपके यहाँ होलसेलर हैं उनसे संपर्क बनाइए और उनसे इस तरह की जानकारी लीजिए कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की डिमांड आ रही है। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, आज के समय में प्रत्येक घरों में आप देखते हैं जो लाइट की फिटिंग करने वाले इलेक्ट्रिशियन है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करने पे आपको दो फायदे होंगे, एक तो वो आपको सारी जानकारी दे देंगे कि भाई इस प्रकार की वायर सबसे ज्यादा मांग होती है, इस कंपनी की मांग ज्यादा होती है, तो आपने एक तो उनसे पूरा जो भी मॉड्यूल है वो आपको समझ लिया। दूसरा तरीका फायदा ये होगा कि जहां पर भी ऑर्डर उनको मिलेगा कि भैया मेरे घर में लाइट की फिटिंग करनी है, आप उनको बोल दीजिए कि हम आपको थोड़ा कमीशन दे देंगे, तो वो आपके यहाँ से वायर की खरीदारी करवा देंगे, बोलेंगे भैया वो होलसेलर है, वहां से अगर आप वायर ले लेंगे तो आपको कम कीमत पर मिल जाएगी, तो वो आपको डायरेक्ट कस्टमर भी देने लगेंगे, और जब इस प्रकार के कस्टमर को देंगे तो आपको एक बंडल पे कम से कम 100 रुपए से लेकर 130 140 रुपए की प्रॉफिट देखने को मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर आपसे खरीद रहा है। दुकानदारों को देंगे तो आपको 50 से 100 रुपए ही कमाने को मिलेंगे, पर यहां आपको 50 रुपए नहीं 100 रुपए से लेकर 200 रुपए कमाने को मिलेंगे, क्योंकि यहां डायरेक्ट कस्टमर आपसे ले रहा है। तो इस प्रकार से भी फायदा मिल जाएगा, उसमें कुछ कमीशन उस मैकेनिक को भी दे दीजिए जो आपकी केबल बिकवा रहा है। तो यहां से आपको पूरा तजुर्बा हो गया आपके क्षेत्र में किस प्रकार की केबल चल रही है और किस प्रकार से इसको सेल करना है। लेकिन अब आपको काम करना है कि आपके नजदीक में जो भी होलसेल मार्केट है वहां पर संपर्क करना है। वहां से आपको संपर्क करने से यह फायदा हुआ कि वहां पर आप समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किस किस ब्रांड की केबल चल रही है, साथ में किस कंपनी में कितना मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि रेट लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपने रेट लिस्ट ले ली कि इस कीमत में ये हमें माल दे रहे हैं। अब आपको जाना है दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट में, जैसे कि सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक मार्केट हो गई, ये इलेक्ट्रिकल मार्केट के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सारा सामान मिल जाता है, और भी बहुत सारी मार्केट है जिनको आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो मार्केट सजेस्ट कर रहा हूँ, या चांदनी चौक या सदर बाजार, यहाँ पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांडें देखने को मिल जाएंगी। कम से कम 50 से 100 ऐसी आपको कंपनियां मिल जाएंगी जिनका नाम ही आपने नहीं सुना है, और इनकी केबल भी आपको कम कीमत में मिल जाएगी। अगर वो केबल लेकर आप अपने क्षेत्र में आते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगी, और उन केबल को आप अपने मार्केट में सेल करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। आज के समय में बहुत ही सिंपल है, गूगल पे आप केबल सर्च कर लो, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन जो कि स्वयं मैन्युफैक्चरर हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे प्राइस लिस्ट ले सकते हैं। आपको लगता है कि जहां पर भी सस्ती मिल रही है वहां से आप उनको खरीदारी करें। दोस्तों कभी भी केबल खरीदते समय जल्दबाजी ना करें, अपनी मार्केट को समझें, होलसेलर को समझें, होलसेल मार्केट में कहां कहां कौन कौन सी केबल मिल रही है इसको समझें, तभी इसका व्यवसाय शुरू करें। और सबसे बड़ी बात है, इसमें लागत कितनी आएगी। दोस्तों अगर बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 50,000 रुपए लगाने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए, यानी कि 50 से 5 लाख के बीच में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। अगर आपका बजट 50,000 है तब भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर आपका बजट 1 लाख रुपए है तब भी शुरू कर सकते हैं, और 4 से 5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेके केबल पे काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूंगा कि केबल का बिजनेस अच्छा है, लाइफ लॉन्ग है, लंबे समय तक चलने वाला है, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहनी है। तो आपको क्या करना है कि बिजनेस शुरू करना है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ये लाइक और शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको आगे भी देखने को मिले। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉल मी फॉर ऐप से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसकी जो आईडी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।